नहीं साथियों, अगर हम ऐतिहासिक विविध की बात करें तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है जो परीक्षा के लिए उपयोगी है, जिसका नाम है प्राचीन भारतीय कवि पुस्तक और लेखक, माने पोएट है, बुक्स है, ऑथर है, एशियन इंडिया माने प्राचीन भारत के उन प्रमुख कवि, उनके लेखकों के बारे में, उनके प्रमुख पुस्तकें पढ़ेंगे। एक ऐसे टॉपिक है जहाँ से परीक्षाओं में खूब सारे सवाल आते हैं। अगर आप सिलेक्शन के लिए पढ़े, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होगा। कोशिश करिएगा साथ में नोट्स बनाते हुए चलने का। अगर आपको लगता है कि नोट्स नहीं बन पा रहा है तो आप ये भी कोशिश करिएगा कि आप साथ ही साथ स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और खासकर परीक्षाओं में ऐसे खूब सारे सवाल पूछे जाते हैं। जो परीक्षा का नया ट्रेंड चल रहा है उसी ट्रेंड के आधार पर ये पूरा सेशन है। यहाँ पर हम बात करेंगे, आपके सामने है चरक संहिता। अगर हम चरक संहिता की बात करें तो चरक संहिता, जैसा आपने नाम सुना, आपने कहीं पढ़ा होगा, कहीं सुना भी होगा, लेकिन अगर परीक्षाओं की उपयोगी बात करें कि सर ये परीक्षा में ऐसे किस तरह सवाल बनते हैं, तो यहाँ पर होगा चरक संहिता जो है आयुर्वेद भारतीय पारंपरिक चिकित्सा का एक संस्कृत ग्रंथ है। यह सुश्रुत संहिता के साथ उन तीन ग्रंथों में से एक है जो वृत्रयी का निर्माण करता है। यह चरक द्वारा लिखा गया है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है और आप चाहें तो आप इसे स्क्रीनशॉट के तौर पर अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सीरीज में अंत तक आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि सीरीज परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है और बहुत अहम है। ठीक, आगे हम देखेंगे सुश्रुत संहिता, यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। यह क्या है? जो सुश्रुत संहिता है यह सर्व चिकित्सा पर एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है। यह भी ग्रंथ कैसा है? संस्कृत ग्रंथ है। यह चिकित्सा वृत्ति पर दो मूलभूत हिंदू ग्रंथों में से एक है जो प्राचीन भारत से उपलब्ध है। दूसरी चरक संहिता, दूसरी क्या है? चरक संहिता है। तो दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों से परीक्षाओं में खूब सारे सवाल पूछे जाते हैं, आप यहां पर इसे देख पाए। अब चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में क्या समानताएं हैं, क्या अंतर है, कैसे सवाल बनते हैं? सुश्रुत और चरक ग्रंथ एक प्रमुख रूप से भिन्न है। जब सुश्रुत संहिता शल चिकित्सा की नींव प्रदान करती है, वही चरक संहिता जो है ये मुख्य रूप से चिकित्सा की नींव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक अंतर है जो परीक्षा के लिए आपके बहुत ही उपयोगी है। सुश्रुत संहिता की रचना चरक संहिता के बाद हुई। सुश्रुत संहिता की रचना जो है वो चरक संहिता के बाद हुई थी। कुछ विषयों और उनके जोर को छोड़कर दोनों कई समान विषय जैसे समान सिद्धांत, पैथोलॉजी, रोग निदान, शरीर रचना, संवेदी पूर्वानुमान, चिकित्सा विधान, औषधशाला विज्ञान, विश्व ज्ञान पर चर्चा करते हैं। तो कुछ समानताएं भी हैं और कुछ प्रमुख अंतर भी हैं जो परीक्षा में पूछा जाता है। आगे हम बात करते हैं बृहत संहिता। आप नाम सुने होंगे और इसे जानते भी होंगे, ये बड़ा महिर द्वारा रचित है। जी हाँ, अगर हम इसकी बात करें तो जो बृहत संहिता है ये छठी शताब्दी की संस्कृत भाषा है, इसे बड़ा महिर ने लिखा है। छठी शताब्दी की एक संस्कृत भाषा है बृहत संहिता, जिसे किसने लिखा है? बड़ा मिहिर जी ने लिखा है। अब आपके सामने आता है मनुस्मृति। मनुस्मृति क्या है यह भी जानते हैं। मनुस्मृति, यह मनुस्मृति को मानव धर्म शास्त्र या मनु के नियम के रूप में भी जाना जाता है। यह हिंदू धर्म के कई धर्म शास्त्रों में से, कई कानूनी ग्रंथों और संविधानों में से एक है। जब भी बात करते इसका श्रेय महान प्रथम पुरुष और कानून निर्माता मनु को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? इसका श्रेय मनु को दिया जाता है। यह मनुस्मृति को मानव धर्मशास्त्र या मनु के नियम के रूप में भी इसे हम जानते हैं, जो परीक्षा में पूछा जाता है। यह हिंदू धर्म के कई धर्म शास्त्रों से में से, कई कानूनी ग्रंथों और संविधानों में से एक है। अष्टाध्यायी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से परीक्षाओं में खूब सारे सवाल भी आते हैं। अष्टाध्यायी एक व्याकरण है जो प्रारंभिक इंडो आर्यन भाषा संस्कृत की एक रूप का वर्णन करता है। यह संस्कृत भाषाविद और विद्वान पाणिनी द्वारा छठी शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया था। यह भी पूछा जाता है परीक्षा में आपके लिए। यह एक संस्कृत व्याकरणविद थे जिन्होंने दिव्यनात्मकता, स्वर विज्ञान और आकृति विज्ञान का एक व्यापक और वैज्ञानिक सिद्धांत दिया। उन्हें भाषा और साहित्य का संस्थापक माना जाता है। आगे आता है अष्टाध्यायी।
अध्याय आप देख रहे हैं जिसे अभी हम लोगों ने पढ़ा है, यह अनिवृत्त वृत्ति उदाहरण वर्तिका गढ़ पाठी सूची संहिता ये महर्षि पाणिनि प्रेरिता। जी हाँ, अब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की। वैसे अर्थशास्त्र की अगर हम बात करते हैं, आपके दिमाग में कौटिल्य, आपके दिमाग में विष्णुगुप्त, आपके दिमाग में चाणक्य के नाम आ जाता है। आज उसी हम अर्थशास्त्र की बात करेंगे। अर्थशास्त्र शासन कला, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है। इसे कौटिल्य ने संस्कृत में लिखा है। किसने? कौटिल्य ने संस्कृत में लिखा है। यह मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के लिए आवश्यक संपूर्ण कानूनी और नौकरशाही सत्तावाद ढांचे से संबंधित है। नाम तो इसका अर्थशास्त्र है, लेकिन इसमें शासन के उन नियमों का भी जिक्र किया गया है और इसमें अर्थशास्त्र जैसी चीजें नहीं है। अब मुद्रा राक्षस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से परीक्षा में सवाल आता है मुद्रा राक्षस से। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा संस्कृत में लिखा गया एक नाटक है। इसकी अगर हम बात करें, कौटिल्य के मार्गदर्शन में नंदों पर चंद्रगुप्त मौर्य की जीत को पुस्तक में विस्तार से बताया गया है। इसके रचयिता कौन है? विशाख दत्त द्वारा किस भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। आगे हम बात करें यहाँ पे तो इंडिका, इसका भी नाम आपने सुना होगा। जैसे हमारे शब्द में इंडिका आता है, आपके जहन में आ जाता है कि हाँ यार, इसको हमने तो पढ़ा हुआ है। देखिए, डेली क्लास के लिए टेलीग्राम पर जुड़िएगा। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, टेलीग्राम पर सर्च करिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस के, ई-लर्निंग विद दुर्गेश, उसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। इंडिका की अगर हम बात करें तो इंडिका एक, देखिए दिख रहा है आप लोगों को, साफ कट तो नहीं रहा, कट रहा है, एक मिनट रुकिएगा। इंडिका एक ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई थी, जिसे सेल्कुलस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। इंडिका एक ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी, जिसे सेल्कुलस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। उन्होंने राजधानी शहर पाटलिपुत्र, राजधानी शहर जो पाटलिपुत्र था, और मौर्य साम्राज्य के प्रशासन का पूरा विवरण भी इसमें लिखा था। आगे देखेंगे रामचरितम। जी हाँ, जैसे ही आपके मन में आता रामचरितम, तो भगवान राम के प्रतिबिंब दिमाग में बनने लगता है। रामचरितम एक संस्कृत महाकाव्य कविता है। इसे संध्याकर नंदी ने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। इन्हें उन्हें पाल वंश का सबसे बड़ा कवि माना जाता था। आप लोग ई-लर्निंग पे दुर्गेश का ऐप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे तो सभी नोट्स आपको पढ़ने के मिल जाएगी, क्योंकि मेरी क्लास आप सभी को निःशुल्क देशित में राशित में उपलब्ध रहती है। उन्हीं की रचना एक साथ रामायण और पाल रामवन। जी हाँ, अगर हम बात करें तो उनकी जो रचना है, उनकी रचना एक साथ रामायण और पाल राजा रामपाल की कहानी वर्णित करती है। मालती माधव, मालती माधव भी पढ़ लेते हैं हम लोग। मालती माधव भवभूति द्वारा लिखित, मालती माधव भवभूति द्वारा लिखित एक रोमांटिक सामाजिक नाटक है, जिसका संबंध राम के राज्याभिषेक से है। ये सवाल आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला है मृच्छकटिकम, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए जो लोग इस वीडियो को पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं। मिट्टी का खिलौना या मिट्टी की गाड़ी, यहाँ पे खिलौना लिखने में थोड़ी सी त्रुटि हो गई है। यह 10 अंकों वाला संस्कृत नाटक है, जिसे शूद्रक ने लिखा है। यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए। शूद्रक एक भारतीय राजा और नाटककार थे। शूद्रक क्या थे? एक भारतीय राजा और नाटककार थे। उन्हें 3 संस्कृत नाटकों का श्रेय दिया जाता है, मृच्छकटिका, विनवास वृद्धत्त और भावा। लघु कांके का क्लाप है और पद्म प्रभातक। तो इसके स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिएगा, यहां से परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। अगला है कादंबरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। कादंबरी संस्कृत में एक प्रेम प्रसंग युक्त उपन्यास है। इसे बाण भट्ट ने लिखा है। किसने? कादंबरी को बाण भट्ट ने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्षचरित, हर्षचरित की बात करें तो हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी, अगर हर्षचरित की बात करें तो राजा हर्षवर्धन की जीवनी है। इसे भी संस्कृत कवि और विद्वान बाण भट्ट ने ही लिखा है। ठीक, अगला है महावीर चरित।
तो महावीर चरित आठवीं शताब्दी में भवभूति द्वारा लिखित एक नाटक है जिसमें राम के भगवान श्री राम के प्रारंभिक जीवन पर आधारित उत्तर रामचरित, यह भी इंपॉर्टेंट है, यह भी परीक्षा में पूछा जा चुका है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। उत्तर रामचरित नाटक शैली में सात कृतियों में एक संस्कृत नाटक है, इसे भवभूति ने ही लिखा है। हिंदू भगवान राम के बाद के जीवन को दर्शाता है, ये भगवान राम के जीवन के राम के बाद के जीवन को दर्शाता है। उत्तर रामचरितम। बुद्ध चरित बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी खूब परीक्षा में झोला भर भर के सवाल आता है। बुद्ध चरित गौतम बुद्ध के जीवन पर संस्कृत महाकाव्य शैली में से एक महाकाव्य है जिसे अश्वघोष ने लिखा है। किसे ने? इसे अश्वघोष ने लिखा है। अगला आता है पंचतंत्र। अब हम बात करते हैं पंचतंत्र की। जी हाँ, तो जो पंचतंत्र है यह संस्कृत गद्य और गद्य में परंपरा परस्पर संबंधित पशु दंत कथाओं का एक प्राचीन भारतीय संग्रह क्या है? एक प्राचीन भारतीय संग्रह है जो परीक्षा के लिए आपके बहुत ही उपयोगी है। यह विष्णु शर्मा द्वारा लिखी थी। किसके द्वारा? विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया है पंचतंत्र। बहुत ज्यादा परीक्षा पूछता है आजकल, जो कूट वाले प्रश्नों का ट्रेंड है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है हितोपदेश। यह भी इंपॉर्टेंट है, हितोपदेश भी हम लोग ध्यान से देखते हैं। हितोपदेश संस्कृत भाषा में एक भारतीय पाठ है। एक क्या है हितोपदेश? संस्कृत भाषा में एक भारतीय पाठ है जिसमें पशु और मानव दोनों पात्रों के साथ दंत कथाएं शामिल है। इसे नारायण ने लिखा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी को लिए। कथा सरिता सागर की अगर हम बात करें तो कथा सरित सागर भारतीय किदंतियों इतिहास और लोक कथाओं का 11वीं सदी का एक प्रसिद्ध संग्रह है जिसकी रचना सोमदेव ने संस्कृत में की थी। किसने? सोमदेव ने किसमें किया था? संस्कृत में किया था। अगला है शियुकी। हम देखेंगे शियुकी। शियुकी क्या है? शियुकी चीनी तीर्थयात्री भिक्षु और विद्वान वेनसोंग झांग द्वारा लिखा गया था। उसने हर्षवर्धन के काल में कन्नौज का भ्रमण किया। उसने क्या किया? हर्षवर्धन के काल में कन्नौज का भ्रमण किया। आगे हम लोग देखेंगे द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा पूछा जाता है। ये सभ्यता के ज्ञान पर के आधार का हिस्सा है। इसे मार्को पोलो रस्टिचेलो द्वारा, मतलब रस्टिचेलो दापिसा ने लिखा है। ठीक, आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास जरूर दें। इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे बार बार कहूंगा इन तथ्यों को अपने पास संजो कर रखिएगा। और इसके सभी नोट्स लर्निंग विद दुर्गेश आप प्राप्त कर सकते हैं और एनसीईआरटी नोट्स भी लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर उपलब्ध है, आप वहां से भी इसे पूरा पूरा प्राप्त कर सकते हैं। कोकोकी, फोकोकी यह फायान द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? फायान द्वारा लिखा गया। यह पुस्तक उनकी भारत और पड़ोसी देशों की यात्रा के दस्तावेजों को दर्शाती है और उनके समय के दौरान उन देशों की स्थिति को दर्शाती है जिसमें मंदिर संस्कृति परंपराएं और उत्सव शामिल है। अब आपके सामने है मतला उस सदैन व मजमा उल बहरीन। जी हाँ, मतला उस सदैन व मजमा उल बहरीन, दो स्वर्ण छत्रों का उदय और दो महासागरों का संगम। यह अब्दुल रज्जाक द्वारा लिखा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा? यह अब्दुल रज्जाक के द्वारा लिखा गया है और उनकी पुस्तकों में जनवरी 1442 से लेकर 1445 के बीच उनकी जो भारत की उनकी यात्रा का 45 पृष्ठों का एक विवरण है। मनु चरित 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में कवि अल्लासानी पिदाना द्वारा मनुचरित के तेलुगु सभ्यता निश्चित साहित्यिक स्मारक है और यह महान पूर्व आधुनिक दक्षिण भारतीय राज्य में से अंतिम विजयनगर की शाही संस्कृति का एक शक्तिशाली अवतार है। पृथ्वीराज राशो बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछा जाने वाला है। जी हाँ, पृथ्वीराज राशो पृथ्वीराज चौहान के जीवन के बारे में एक ब्रजभाषा, जी हाँ, एक ब्रजभाषा की महाकाव्य कविता है। एक ब्रजभाषा क्या है? महाकाव्य कविता है। इसे
चंद्रबरदाई राजा के दरबारी कवि ने लिखा, इसे चंद्रबरदाई राजा के दरबारी कवि ने लिखा है। अब मीमांसा सूत्र या पूर्व मीमांसा सूत्र से भी परीक्षा में आपके पूछा जाता है। कार्य को 12 अध्यायों में विभाजित किया गया है, इन्हें आगे के 60 पदों में विभाजित किया गया है। इसे ऋषि जैमिनी ने लिखा है। लेखक भी पूछता है इस पुस्तक के प्रमुख रूप से क्या है, यह भी आपके लिए पढ़ना और जानना जरूरी है। अब है ब्रह्मसूत्र। आइए ब्रह्मसूत्र के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ब्रह्मसूत्र क्या है? यह एक संस्कृत का पाठ है जिसे वादरायण ने लिखा, वादरायण ने इसे लिखा है। यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण था। मतलब जितना भी है इस पीपीटी में वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब आपके लिए महत्वपूर्ण है। यह 6वीं शताब्दी का संस्कृत भाषा का पाठ है। इसे वरा मिहिर ने लिखा। इसे कौन लिखा है? वरा मिहिर ने लिखा है। यह मूल रूप से खगोल विज्ञान की 5 अन्य पुस्तकों का सार प्रस्तुत करता है। सूर्य, रोमक, पोलिस, वशिष्ठ और पितामह सिद्धांत, यह प्रमुख रूप से उपयोगी और महत्वपूर्ण है। आगे देखिएगा नाट्य शास्त्र। अब हम नाट्य शास्त्र की तरफ बढ़ेंगे। नाट्य शास्त्र प्रदर्शन कलाओं का एक संस्कृत ग्रंथ है। इसे भरत मुनि ने लिखा। इसे कौन लिखा है? भरत मुनि ने लिखा है। किसने लिखा है? भरत मुनि ने लिखा है। इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो इसे लिख लीजिए। दीघा निकाय। दीघा निकाय एक बौद्ध शास्त्र संग्रह है। यह सुत्त पिटक का एक भाग है। इसे बुद्ध घोष ने लिखा। किसने लिखा है? इसे बुद्ध घोष ने लिखा है। अब डिफरेंशियल कैलकुलस, नाम सुनते ही आपके दिमाग में आ गया है कि हाँ यार, ये तो हम लोगों ने सुना और पढ़ा भी है। जी हाँ, अब डिफरेंशियल कैलकुलस की खोज का सिद्धांत शिरोमणि को जाता है। किसे जाता है? शिरोमणि को। इसका उपयोग खगोलीय समस्याओं और संगणनाओं में होता है। इसे भास्कराचार्य या भास्कर दूती ने लिखा है। किसने लिखा है? भास्कराचार्य। सिद्धांत शिरोमणि को जाता है। सिद्धांत का सर किसे आता है? शिरोमणि का। और इसे भास्कराचार्य या भास्कर दूती ने इसे लिखा है। आर्यभट्टी या आर्य, जी हाँ, यह एक संस्कृत खगोली ग्रंथ। यह क्या है? संस्कृत खगोली ग्रंथ है। यह महान कृति 5वीं शताब्दी का एकमात्र ज्ञात जीवित कार्य है। इसे भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने लिखा है। किसने लिखा है? आर्यभट्ट ने लिखा है। ठीक, द आर्यभट्ट ऑफ आर्यभट्ट। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। अब ये जानते हैं ब्रह्मस्फुट सिद्धांत क्या है। ब्रह्म गुप्त द्वारा लिखा गया है। यह गणितीय खगोल विज्ञान का एक पाठ है। इसे महत्वपूर्ण गणितीय सामग्री शामिल, जिसमें शून्य की भूमिका की अच्छी समझ, ऋण धन दोनों संख्याओं में हेर फेर करने के नियम, वर्गमूल की गणना के लिए एक विधि, रैखिक और द्विघात समीकरणों को हल करने के तरीके, योग के नियम श्रृंखला, ब्रह्मगुप्त की पहचान और ब्रह्मगुप्त का प्रमेय भी इसमें शामिल है। यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला है शील पटिकरम। शिल्ला पाठ्यक्रम, शिल पाठ्यक्रम, अभी भी देखते हैं। शिल्ला पाठ्यक्रम जो है यह पहला तमिल महाकाव्य है। इसे इलुंगो आदिगल ने लिखा। इलुंगो आदिगल ने इसे लिखा है। यह महाकाव्य एक साधारण जोड़े कन्नकी की और उसके पति कोलन की एक दुखद प्रेम कहानी। अब अगला है वलयापाधि। ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या आपके लिए वलयापाधि। अब यह 5 महान तमिल महाकाव्यों में से एक है। यह महाकाव्य की प्रमुख भावना प्रेम है और इसका प्राथमिक लक्ष्य जैन मूल्यों और दर्शन को स्थापित करना है। यह एक तमिल जैन साधु द्वारा लिखा गया है। मणिमेकलई, जी हाँ, मणिमेकलई एक तमिल बौद्ध महाकाव्य है। यह कुलवनिगम सिथलाई समतानार द्वारा लिखा गया है। अब यहाँ एक और टॉपिक है, कह रहा है कुंडल केसी। कुंडल केसी तमिल बौद्ध महाकाव्य है। यह 10वीं शताब्दी के आसपास लिखा गया है। यह नाथकुथनार द्वारा लिखा गया है।
नागानंद, ये इंपॉर्टेंट है, ये हर्ष द्वारा लिखित एक संस्कृत नाटक है। ये क्या है? नागानंद हर्ष द्वारा लिखित एक संस्कृत नाटक है नागानंद। अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत इंपॉर्टेंट, इसे बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। अब यह संस्कृत का एक नाटक है, इसे कालिदास जी ने लिखा है। हस्तिनापुर के राजा राजा दुष्यंत और ऋषि विश्वामित्र की बेटी शकुंतला और अप्सरा मेनका की कहानी को दर्शाया गया है। जी हाँ, कुमार संभव, शकुंतला, ऋतु संहार, इन्हें कालिदास द्वारा लिखा गया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्शन के लिए। मालविका गिनमित्रम जो है यह भी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये है कालिदास द्वारा लिखित एक संस्कृत नाटक है। यह राजा अग्रिमित्र और दरबारी नर्तकी मालविका की प्रेम कहानी है। विक्रम वर्षीयम, अब विक्रम वर्षीयम की बात करते हैं। यह कालिदास द्वारा रचित 5 अंकी नाटक है। कालिदास द्वारा रचित एक 5 अंकी नाटक है। इनमें से पुरुरवा प्रतिष्ठान के राजा और उर्वशी अप्सरा के प्रेम को दर्शाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सब मैं आपसे पहले ही कह रहा हूं, इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिएगा। इससे बाहर आपकी परीक्षाओं में सवाल नहीं आएंगे। अगर आपने इनको तैयार कर लिया, कहीं ना कहीं आपके परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होंगे। मेघदूत, आइए मेघदूत के बारे में जानते हैं। कालिदास की रचना है, कालिदास की 4वीं-5वीं शताब्दी द्वारा लिखित एक गीतात्मक कविता है। नील गगन में मंडराते कजरारे मेघों को दूत बनाकर एक विरही प्रेमी द्वारा अपनी प्रिया को भेजा गया विरह वेदना से भरा प्रेम संदेश मेघदूतम। रघुवंशम, यह कालिदास लिखित एक संस्कृत महाकाव्य है। यह कविता रघुवंश के बारे में 19 सर्गों में बनाती है, जिसमें रघु, दशरथ, राम शामिल थे। तुलका पीएम, यह तुलका पीएम जो है यह तुल्किप्पियार उपनाम द्वारा लिखा गया है। यह सबसे पुराना मौजूदा तमिल व्याकरण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म स्फुटक सिद्धांत और खंड खद्यक, यह जो ब्रह्म स्फुटक सिद्धांत और खंड खंडक ब्रह्मगुप्त द्वारा लिखे गए हैं, वह एक भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। उन्होंने बीजगणित को संदर्भित करने के लिए कुट्टक और कुट्टक कगणित शब्दों का प्रयोग किया है। राष्ट्रंगणी, अब राष्ट्रंगणी भी देख लेते हैं। राष्ट्रंगणी भारत के उत्तर पश्चिमी भाग, विशेष रूप से कश्मीर के राजाओं का एक पौराणिक और ऐतिहासिक कालक्रम है, जिसे हम कल्हड़ ने लिखा है। किसने लिखा है? कल्हड़ ने लिखा है। विवेक दीपनी, तो विवेक दीपनी प्रश्नोत्तर रत्नमलिका के 67 श्लोकों के लिए गए 36 श्लोकों का संकलन है। इसे आदि शंकराचार्य ने लिखा। किसने लिखा है? आदि शंकराचार्य ने। प्रियदर्शिका बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह संस्कृत का नाटक है जिसका श्रेय राजा हर्षवर्धन को दिया जाता है। यह 4 कृत्यों में नाटक है, जिसका विषय है उदयन, सम्राट दृद्धवर्मन और पुत्री प्रियदर्शिका, प्रियदर्शनी का मिलन। भृंग संहिता, भृंग संहिता क्या है? यह एक संस्कृत ज्योतिषी है, ज्योतिषी ग्रंथ है, जिसका श्रेय वैदिक काल के 7 ऋषि 7 संतों में से एक भृंग को दिया जाता है। बृहत कथा, यह प्राचीन भारतीय महाकाव्य जिसके बारे में कहा जाता है, इसे गुढ़ाड़ी ने लिखा है। किसने? गुढ़ाड़ी ने इसे लिखा है। किरातार्जुनी, किरातार्जुनीयम जो है यह भारवी संस्कृत कवि द्वारा 6वीं-7वीं ईस्वी में लिखा गया था। तनाक, हिब्रू बाइबल, जी हाँ, यहूदियों का मुख्य पवित्र ग्रंथ है। इसमें 3 भाग होते हैं, टोरा कानून, नेविम भविष्यद्वक्ता और केतुवियम लेखन। तो ये 3 इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप अपने पास रख सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू के साथ आप लोग इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करिएगा। अभी तक अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े, टेलीग्राम पर जुड़िएगा, क्योंकि ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद की भी सीरीज आपको क्रमवार रूप से ई-लर्निंग विद दुर्गेश के माध्यम से मिलती रहेगी। आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी मित्रों को शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। और ई-लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे द्वारा सभी क्लासेज आपके लिए निःशुल्क, देशित में, राष्ट्रित में है।
छह से लेकर बारह तक की सभी जो एनसीईआरटी की नोट्स है वो हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, आप वहां से अपने हिसाब से ले सकते हैं, नई और ओल्ड दोनों एनसीईआरटी है। नोट संबंधी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर आप नोट संबंधी जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पर आप भेज सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, लोगों तक शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मेरे द्वारा ये शॉर्ट सीरीज है और आगे भी जारी रहेगी। आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहें, अपना बेस्ट और बेहतर देते रहें, हर एक दिन नया अंक की तरफ आगे बढ़ते रहें। मेरी आप सभी की के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, आप सभी का थैंक यू। ये सेशन, ये सीरीज बहुत ही अहम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस सेशन के साथ बने रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, आप अपना फीडबैक दीजिए, ये सेशन कैसा लगा। आप इसके साथ नोट्स बनाते चल सकते हैं, आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। वैसे हर एक सेशन की महत्व अपने आप में महत्वपूर्ण होती है, पूरी सेशन पढ़ लेंगे, इसके एमसीक्यू पढ़ लेंगे, आगे चलकर हम मैराथन क्लास जब लेंगे तो हम इसके निचोड़ तथ्य की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। वैसे आज के सेशन के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।